हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे बाइबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में, जो कि वाचा का संदूक है। और आज मैं आपको इसके कुछ रहस्यों के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वाचा का संदूक बाइबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इसे मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा से बनवाया था। संदूक की संरचना के बारे में लिखा है निर्गमन अध्याय 25 वचन 10 से 22 में। इसे बम्बुल की लकड़ी से बनाया गया था और इसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और इसकी ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। इसे अंदर और बाहर से शुद्ध सोने से मढ़ा गया था। इसके चारों ओर सोने की बाड़ लगाई गई थी। इसकी साइड में 2 डंडे बम्बुल की लकड़ी से बनाए गए थे, जिनको भी सोने से मढ़ा गया था लगाए गए, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे एक जगह से दूसरी जगह पर लाया ले जाया जा सके। संदूक के अंदर मूसा ने 10 आज्ञा वाली पट्टियां रखी थी, जो कि परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर दी थी। वाचा के संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन होता था। इसके ऊपर 2 स्वर्गदूत खड़े किए बनाए गए, जो कि आमने सामने मुंह किए हुए और पंख फैलाए हुए खड़े थे। इनके बीच परमेश्वर आते थे। परमेश्वर ने स्वयं ही मूसा को इसमें 10 आज्ञा वाली पट्टियां रखने को कहा था। मूसा ने इसे मिस्र से निकलने के बाद जंगल और रेगिस्तान में बनाया था। जब भी इजरायली लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, वे इसे अपने साथ ले जाया करते थे और पड़ाव के बीच में रुककर इसे परमेश्वर के तंबू में रखा करते थे। वाचा का संदूक एक बहुत ही पवित्र चीज है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, और इसके समान आज तक कोई भी ऐसी पवित्र वस्तु नहीं है। पहला शमूएल अध्याय 4 और 5 के अनुसार, एक बार जब फिलिस्तीनियों ने इसराइलियों पर हमला किया और उन्होंने उनके 4,000 इसराइली सेना के पुरुषों को मैदान ही में ही मार डाला, और फिलिस्तीनियों ने संदूक को छीनकर उनके नगर अश्दोद में रखा, परंतु वहां पर बहुत सी विपत्तियां आई और उससे घबराकर उन्होंने उसे गत नगर में पहुंचाया। पर इसके वहां पर पहुंचने से वहां के सारे लोग मर गए, और फिर उन्होंने उसे एक्रोन पहुंचाया, पर वहां पर भी पहुंचने से या तो वहां के सारे लोग मर गए या फिर बीमार हो गए, और आखिर में उन्होंने संदूक को इसराइलियों को दे दिया। दूसरा इतिहास अध्याय 36 के अनुसार, यह माना जाता है कि जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया था, इस पर लोगों की यह मान्यता है कि जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के कई पात्र अपने नगर बेबीलोन ले गया, तब वह वाचा का संदूक भी अपने साथ बेबीलोन ले गया। कुछ लोगों का दावा है कि वाचा का संदूक इथियोपिया पहुंच गया, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य की 11वें अध्याय की 19वीं आयत में कहता है कि यूहन्ना ने अपने दर्शन में वाचा के संदूक को स्वर्ग के भवन में देखा। दोस्तों, आज के समय में प्रमाण के साथ नहीं कहा जा सकता कि वाचा का संदूक कहाँ पर है, पर एक बात जो महत्वपूर्ण है कि वो 10 आज्ञा वाली पट्टियाँ जो कि संदूक में थी, वो आज्ञा हमारे पास बाइबल में लिखी हुई है, और हम उसके हिसाब से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये वीडियो था वाचा के संदूक की जानकारी के बारे में। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के ऊपर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।